दोस्तों, फंगिसाइड टॉनिक या फिर फर्टिलाइजर का एक साथ कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो डिजीज भी कंट्रोल होते हैं, उसके साथ ही फसलों या पौधों को एक बूस्ट भी मिलता है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कंप्लीट होती है तो फ्लावर्स ज़्यादा मात्रा में आते हैं और ड्रॉपिंग की समस्या भी नहीं आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको फंगिसाइड जो कि मैकोबान सी फंगिसाइड है और इसकी जगह आप कौन कौन से अदर फंगिसाइड ले सकते हैं, उसके साथ ही बायोविटा का कॉम्बिनेशन तैयार करके दिखाऊंगी कि क्या इनका कॉम्बिनेशन एक साथ में होता है या नहीं होता है। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। तो दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है ये मैकोबान सी फंगिसाइड, जिसमें कार्बन डाइजिम 12% और मैनकोजेब 63% आता है। पाउडर फॉर्म में ये आता है। इसकी जगह साफ फंगिसाइड भी आप ले सकते हैं। सिक्सर फंगिसाइड में भी सेम टेक्निकल आता है, यानी कि केवल मैनकोजेब का भी आप साथ में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, केवल कार्बन डाइजिम का भी आप साथ में कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं बायोविटा का, या फिर साफ सिक्सर और ये मैकोबांसी, इनमें से भी आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमने कांच के गिलास में मैकोबांसी फंगिसाइड को घोला है। देखते हैं ये घोल तैयार होता है या नहीं होता है, फटेगा या नहीं फटेगा। तो इसके बाद में अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, कम क्वांटिटी में लेना है, और उसके बाद में अब ये हमने इसमें बायोविटा डालेंगे। बायोविटा जो कि सीविड एक्सट्रैक्ट आता है और इससे बहुत सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है, जैसे कि सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक वगैरह। ये एस्कोफाइलम नोडोसम समुद्री घास से बना हुआ सीविड एक्सट्रैक्ट है और लिक्विड फॉर्म में आता है, तो बहुत अच्छा ये होता है। तो ये अब कांच के गिलास में मिला करके देखते हैं ये कैसा रिजल्ट रहेगा। तो ये दोस्तों हम लोग मिला रहे हैं इसमें अभी बायोविटा, ये इस टाइप का आता है, देखिए लिक्विड फॉर्म में आता है ये। और ये हमने दोस्तों इस तरीके से मिक्स कर लिया है। कांच के गिलास में ही कॉम्बिनेशन तैयार करना है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, या कोई प्लास्टिक के डिब्बे में भी आप कर सकते हैं। तो ये मिक्स करने के बाद में कम से कम दोस्तों 3 से 4 मिनट, 5 मिनट तक वेट करना चाहिए कि कॉम्बिनेशन में अगर घोल नहीं फटता है तो फिर इनका कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं एक साथ में। लेकिन अगर घोल फट जाता है तो फिर उसको एक साथ में कॉम्बिनेशन तैयार नहीं करना चाहिए। अभी तक ये घोल नहीं फटा है, लगभग 1 मिनट हो गई, और ये दोस्तों अभी तक हमने इसका 5 मिनट तक वेट कर लिया, घोल बिल्कुल नहीं फटा है, बिल्कुल एकदम क्लीन है। ये देखिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, यानी कि बायोविटा के साथ में आप साफ फंगिसाइड को या कार्बन डाइजिम, मैनकोजेब या मैकोबान सी फंगिसाइड, सिक्सर फंगिसाइड, इनका एक साथ में आप कॉम्बिनेशन तैयार करके अपनी फसलों में आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों लास्ट में मैं क्लियर कर दूं कि बायोविटा है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आता है, सीविड एक्सट्रैक्ट आता है, तो इसके साथ में वैसे किसी भी पेस्टिसाइड को मिलाना नहीं चाहिए। लेकिन ये बारिश का समय है, इस टाइम फंगस जनित डिजीज बहुत ज़्यादा आती हैं फसलों में, और स्पेशली सब्जी वर्गीय फसलों में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास नर्सरी है तो उसमें आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, क्रोप है तो एक साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। ये घोल नहीं फटता है और इसको मैं अपनी किचन गार्डनिंग में यूज करूँगी, और 3 से 4 दिन बाद का रिजल्ट भी आपको मैं दिखाऊंगी। 3 से 4 दिन बाद में ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी। और इस टाइम फंगस जनित डिजीज बहुत ज़्यादा आती है, डंपिंग ऑफ है, रूट रोट है, कोलर रोट है, तो उसके लिए फंगिसाइड भी चेंज कर करके यूज करते रहना चाहिए। हेलो गाइस, और ये दोस्तों मैं इसको किचन गार्डनिंग में अपने जो भी वेजिटेबल्स हैं उनमें यूज कर रही हूँ। कैसा रिजल्ट रहेगा उसके बाद में मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगी। और ये 3 दिन बाद का रिजल्ट है दोस्तों, ये देखिए लीफ के एक तो साइज बढ़ी है, मैंने ये इनमें डिफरेंस देखा है, और ग्रोथ भी फटाफट हुई है, जर्मिनेशन के तुरंत बाद में अच्छी ग्रोथ हुई है। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है बायोविटा का, और मेरे स्पिनिच वगैरह जर्मिनेट भी फटाफट हो रहे हैं।
और ये बैंगन में भी फ्लावर्स वगैरह आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। आप बेझिझक अपनी क्रॉप में इनका कॉम्बिनेशन तैयार करके यूज कर सकते हैं। साइज वगैरह अच्छी बनती है लीफ की और ग्रोथ भी फास्ट हुई है। और भी कोई क्वेरी है कमेंट करके ज़रूर बताएं।